एवरीवन, इन दिस लेक्चर आई विल डिस्कस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है आपके एडवांस मैथ का। दरअसल देखा जाए तो ये आपके दो चैप्टरों का कॉम्बिनेशन है, ज्योमेट्री और एलजेब्रा। इस चैप्टर में आपको ज्योमेट्री के डायग्राम्स के साथ साथ उनकी एलजेब्रिक इक्वेशन भी मिल रही होगी। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको ओनली डायग्राम्स दिए गए हैं, तो इस चैप्टर की मदद से आप उनकी एलजेब्रिक इक्वेशन लिखकर उन्हें सॉल्व कर पा रहे होंगे। ठीक इसी के अपोजिट मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको ओनली एलजेब्रिक इक्वेशन दी गई है, तो इस चैप्टर की मदद से आप उनका डायग्राम ड्रॉ करके उन्हें सॉल्व कर पा रहे होंगे। बात करें अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत ही सिंपल और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपको इस चैप्टर का बेसिक नॉलेज भी है तो उन सभी क्वेश्चन को आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो बहुत कुछ है इस चैप्टर में जानने और समझने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हिंदी में कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति, और निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले हम जानेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। कोऑर्डिनेट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसकी मदद से हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दरअसल ये ऐसे दो नंबर होते हैं जिसकी मदद से हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इन्हीं दो नंबर को हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। जैसे गूगल मैप में आपने कभी कोई लोकेशन को सर्च किया होगा, तो गूगल मैप भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के एल्गोरिथम को ही फॉलो करके दी गई लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है, और वहां पे वो दो कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। इन्हीं दो कोऑर्डिनेट्स की मदद से गूगल मैप आपकी पूछी गई लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम बहुत सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉलो करते हैं, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्पाइरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम। इन सभी कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम बहुत सारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉलो करते हैं, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सेकेंड है हमारा स्पाइरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, थर्ड है हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, फोर्थ है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, फिफ्थ है होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम। इन सभी कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से पूछे जाते हैं। लगभग 90% जो क्वेश्चन आते हैं आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से आते हैं, और रहेगा जो आपके 10% क्वेश्चन वो आपके पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से आते हैं। तो शेष बाकी के रिमेनिंग जो आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इनसे आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो इन सभी कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम एक एक करके डिटेल से जानेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस सिस्टम की मदद से हम किसी प्लेन पर उपस्थित पॉइंट की लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम कह सकते हैं इन दिस सिस्टम हेल्प वी फाइंड ए पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन। हम कह सकते हैं इन दिस सिस्टम हेल्प
we find a position of a point in a प्लेन। प्लेन आपको पता ही होगा, एक ऐसा 2D फिगर होता है जिसकी एक पर्टिकुलर लेंथ और ब्रेथ होती है। जितनी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम इस चैप्टर में पढ़ रहे होंगे वो सारी की सारी 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगी, क्योंकि 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो हम कह सकते हैं प्लेन एक ऐसा सरफेस होता है जिसकी एक पर्टिकुलर लेंथ और ब्रेथ होती है। जिस सरफेस पर हम खड़े हैं वो भी क्या है, प्लेन है, समतल है। जिस बोर्ड पर हम लिख रहे हैं वो भी क्या है, प्लेन है, समतल है। तो हम कह सकते हैं कि प्लेन एक ऐसा सरफेस होता है जिसकी एक पर्टिकुलर लेंथ और ब्रेथ होती है। अगर हम प्लेन को ड्रॉ करें तो कुछ रेक्टेंगल शेप में हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, प्लेन है, ठीक है। अगर हम इस प्लेन पर बहुत सारी यूनी डिस्टेंस पर हॉरिजॉन्टल, एक बराबर दूरी पर हॉरिजॉन्टल्स और वर्टिकल्स लाइन ड्रॉ करें, है ना, ये सारी लाइंस कैसी होंगी, यूनी डिस्टेंस पर होंगी। तो अगर हम इसमें बहुत सारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करें तो ये जो हमारा प्लेन होगा, इस प्लेन को हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है। अब आप देख रहे होंगे इस प्लेन पर हमने बहुत सारी लाइन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल्स ड्रॉ किए हैं, बट इन लाइनों में से जो लाइन इसके सेंटर से गुजर रही होगी उस लाइन को हम एक्सिस कहेंगे। तो आप देख रहे होंगे ये वाली जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये इसके सेंटर से गुजर रही होगी, ठीक। ये वाली जो लाइन है इसके वर्टिकल सेंटर से गुजर रही होगी। तो यहाँ इस प्लेन पर दो ऐसी लाइन होंगी जो इसके सेंटर पर गुजर रही होंगी, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और एक वर्टिकल लाइन होगी। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हम एक्स एक्सिस कहेंगे, ये हमारा एक्स एक्सिस होगा, और जो वर्टिकल लाइन सेंटर से गुजर रही है उसे हम वाई एक्सिस कहेंगे, है ना। और ये जो मीटिंग पॉइंट है इनका, यानी जो सेंटर है इस प्लेन का, उसे हम क्या कहेंगे, ओरिजिन कहेंगे, है ना। ये हमारा क्या होगा, ओरिजिन होगा, मूल बिंदु होगा। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो लाइन है वो क्या है, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन है। इसका मतलब क्या है, ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे, एक दूसरे से कितने डिग्री का कोण बना रहे होंगे, 90 डिग्री का कोण बना रहे होंगे। अगर हम एक्स एक्सिस को अपना बेस एक्सिस माने, मतलब इसे हम 0 डिग्री पर माने, तो एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस कितनी डिग्री पर होगा, 90 डिग्री की दूरी पर होगा। 90 डिग्री के दूरी पर होने का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो हम कह सकते हैं In this system, there are two perpendicular axes. One is x-axis और second one is y-axis, है ना। हमारे इस पर दो axes होंगे, एक x-axis और एक वाई एक्सिस, जो दोनों ही एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। अब देख पा रहे होंगे इस प्लेन पर जो एक्सिस हैं, इस प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 4 इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहे हैं, ये एक्सिस इस प्लेन को डिवाइड कर रहे हैं। और इन इक्वल पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स बोलते हैं, हिंदी में आपने सुना होगा चतुर्थांश बोलते हैं। तो ये जो वाला पार्ट है इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, है ना। ये हमारा प्रथम चतुर्थांश होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होगा, द्वितीय चतुर्थांश। ये हमारा तृतीय चतुर्थांश होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। अगर हम इस प्लेन पर कहीं पर एक पॉइंट ड्रॉ करें, मान लेते हैं कि हम इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट पर, प्रथम चतुर्थांश पर एक पॉइंट्स को क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, है ना। ये एक पॉइंट P है जिसको हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है।
तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, x, y, है ना। हम कह सकते हैं इन दिस सिस्टम x, y इज ए कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, है ना। x, y जो है वो बिंदु के निर्देशांक हैं। कोऑर्डिनेट को हम हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक, है ना। ये जो निर्देशांक हैं, ये जो कोऑर्डिनेट्स का पेयर है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है, इसमें सीक्वेंस फिक्स है। सबसे पहले हम x लिखेंगे, देन y लिखेंगे। हम कभी भी x से पहले y को नहीं लिख सकते, क्योंकि ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। ये जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं, वो हमें इस पॉइंट की लोकेशन बताते हैं एक्सिस से, कि ये एक्सिस से कितनी दूरी पर है, है ना। तो ये जो एक्स है, है ना, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है, वो हमें ये बताता है कि ये जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है। तो ये वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर होगा, ये एक्स दूरी पर होगा, है ना। ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हमें बताता है कि जो पॉइंट पी है वो वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, एक्स डिस्टेंस पर है। और ये जो y है वो हमें ये बता रहा होगा, ये पॉइंट जो P है वो x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है। तो ये x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर होगा, y डिस्टेंस पर होगा। तो हम कह सकते हैं जो पॉइंट के निर्देशांक हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, वो हमें ये बताते हैं कि ये पॉइंट एक्सिस से कितनी दूरी पर स्थित है, है ना। तो हम कह सकते हैं ये हमें क्या बताता है, पोजिशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस, है ना। ये एक्सिस से पॉइंट की दूरी को बताते हैं, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो एक्सिस से हमें पॉइंट की दूरी को बताते हैं। अब आप देख रहे होंगे, हम ये बोल रहे हैं ये पॉइंट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस से एक्स दूरी पर है, और पॉइंट जो P है वो x एक्सिस से y दूरी पर है। अगर दूरी बोल रहे हैं, डिस्टेंस बोल रहे हैं, तो डिस्टेंस आपको पता होगा ऑलवेज क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। इट मीन्स ये जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, और ये भी एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ये तो 90 डिग्री का, तो बच गया एक और, तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। इसका मतलब क्या है, चारों एंगल इसमें क्या हो गए, 90 डिग्री के हो गए। तो ये क्या हो सकता है, या तो ये स्क्वायर हो सकता है, या तो ये रेक्टेंगल हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर में सारी साइड्स बराबर होंगी, तो इसमें सारी साइड्स तो बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल में आमने सामने वाली भुजाएं पैरेलल के साथ साथ होने के साथ साथ क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो अगर ये एक्स है तो ये भी क्या होगी, एक्स होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो भी क्या होगी, एक्स होगी। और अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी वाई है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या होगी, वाई होगी। क्लियर है। तो हम कह सकते हैं जो पॉइंट्स पी है उसके कोऑर्डिनेट्स, अगर हम ओरिजिन से भी चलें, है ना, ओरिजिन से हम पहले क्या चलें, एक्स दूरी चलें, तो हम यहाँ पे होंगे, और फिर हम इस दूरी के बाद वाई दूरी चलें, तो हम वापस से कहाँ पे पहुँच जाएंगे, पॉइंट्स पर पहुँच जाएंगे, है ना। ठीक, इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं, अगर हम यहाँ से क्या चलें, पहले वाई दूरी चल लें और फिर एक्स दूरी चल लें, तो भी दोनों ही जगह में हम अपनी डेस्टिनेशन पे होंगे। बट इसका ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका यही है कि जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें पोजीशन बताते हैं ओरिजिन से नहीं, हमारे एक्सेस से। ये एक्सेस से कितनी दूरी पर होंगे हमें ये बताते हैं। अब जो ये एक्सेस है, ये जो पॉइंट पी है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स के जो एलिमेंट हैं उनके एक पर्टिकुलर नाम है। तो ये जो एक्स है, एक्स कोऑर्डिनेट है, इसे हम कहते हैं एब्सिसा, एब्सिसा, है ना। एब्सिसा को हिंदी में कहते हैं भुज, है ना। और ये हमें बताता क्या है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। याद रखिएगा, x एक्सिस नहीं होगा, y एक्सिस होगा। ये x y एक्सिस से हमें दूरी बताता है। और ये जो y एलिमेंट है कोऑर्डिनेट्स का, इसे हम कहते हैं ऑर्डिनेट, हिंदी में कहते हैं इसे कोटि। और ये बता रहा होगा डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम
फ्रॉम एक्स एक्सिस, है ना, ये एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की दूरी को बता रहा होगा, ठीक है। कई ये आपको नाम याद होने चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे एग्ज़ाम में आपको कोऑर्डिनेट्स ना देके एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स दे दिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एब्सिसा क्या होती है और ऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ठीक है। अगर हम इस पॉइंट पर एक टॉर्च लगा दें, है ना, इस पॉइंट पर हम क्या लगा दें, एक टॉर्च लगा दें और टॉर्च की लाइट चालू करें, तो ये लाइट जिस पाथ पर होके गुजरेगी वो इसी लाइट इसी पाथ पर होके गुजरेगी, है ना, इस वाई पाथ पे गुजरेगी, और इस वाई पाथ को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, है ना, ये एक्स एक्सिस पर बिंदु का प्रक्षेपण कहलाता है। जो वाई जो है वो हमारा एक्स एक्सिस पर बिंदु का प्रक्षेपण कहलाएगा। और ठीक इसी प्रकार अगर हम लाइट यहाँ पे लगाएं, टॉर्च यहाँ पे चालू करें, तो ये वाला जो पाथ होगा एक्स वाला, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, है ना, ये बिंदु का प्रक्षेपण होगा वाई अक्ष पर, ठीक है। और जिस बिंदु एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर जिस पर इस बिंदु की क्या पड़ेगी, शैडो पड़ेगी, है ना, परछाई पड़ेगी, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये जो पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पर बिंदु का चरम पाद होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा। और ये जो होगा ये भी क्या होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, वाई अक्ष पर क्या होगा, ये बिंदु का चरम पाद होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा कार्टेशियन प्लेन था, जिसमें हमारे दो एक्सिस थे जो एक दूसरे से 90 डिग्री पर थे, और ये एक दूसरे और जो जहाँ पे ये एक दूसरे से मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। ये हमारे प्लेन को चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिन्हें हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं, चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर हम किसी पॉइंट को यहाँ पे ड्रॉ करें तो उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे उसे क्या बोलेंगे, एक्स कॉमा वाई, ये एक ऑर्डर्ड पेयर्ड होता है, है ना, और एक्स को हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं, हिंदी में भुज बोलते हैं, जो कि हमें दर्शाता है कि बिंदु वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है। और जो हमारा ऑर्डिनेट है वो हमें ये दर्शाता है कि जो बिंदु है वो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, और ये जो वाई है वो हमारा प्रक्षेपण होता है एक्स एक्सिस पर, और जो x है वो प्रक्षेपण होता है y एक्सिस पर। और ये जो पॉइंट है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, जहाँ पर इसकी शैडो पड़ती है उसे हम बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस, और इसे हम बोलेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर बिंदु का चरम पाद किस पर, y एक्स पर, है ना। तो इतनी बातें हैं, इसे हम रफ कर देते हैं, फिर इसके आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है साइन कन्वेंशन। इन ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये दो हमारे एक्सिस थे, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस था उसे हम एक्स एक्सिस कहते थे, और जो वर्टिकल एक्सिस था उसे हम वाई एक्सिस कहते थे, और मीटिंग पॉइंट ऑफ बोथ एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन, मूल बिंदु। तो इन एक साइन कन्वेंशन, ओरिजिन के राइट हैंड साइड पर जो एक्सेस होता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सेस होता है, है ना, ये जो एक्सेस है वो हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सेस है, और ओरिजिन से
लेफ्ट हैंड साइड पर जो एक्सेस है वो हमारा नेगेटिव एक्स एक्सेस है, ये हमारा क्या है नेगेटिव एक्स एक्सेस है, और नेगेटिव एक्सेस को हम एक्स डैश एक्सेस भी कहते हैं। ठीक इसी प्रकार ओरिजिन के अप साइड जाने पर जो एक्सेस होता है वो पॉजिटिव एक्स वाई एक्सेस होता है, और ओरिजिन के डाउन साइड जाने पर जो एक्सेस होता है वो नेगेटिव वाई एक्सेस होता है, जिससे हम वाई डैश एक्सेस भी कहते हैं। अगर हम इस प्लेन पर किसी पॉइंट को ड्रॉ करें, मान लेते हैं एक पॉइंट को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट पर ड्रॉ करते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे एक्स कॉमा वाई होंगे, बट इनके साइन क्या होंगे, क्योंकि ये पॉइंट जो लाई कर रहा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे ओरिजिन से राइट हैंड साइड पर और ओरिजिन से अप साइड पर होगा, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हमारे एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। अगर हम किसी पॉइंट को सेकंड क्वाड्रेंट पे ड्रॉ करें तो अगर हम यहां पे सेकंड क्वाड्रेंट पे किसी पॉइंट को ड्रॉ करते हैं तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कैसे होंगे एक्स कॉमा वाई होंगे, बट इनके साइन क्या होंगे सेकंड क्वाड्रेंट ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड पर होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड पे होने पर इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो कैसा होगा नेगेटिव होगा, बट जो वाई कोऑर्डिनेट है क्योंकि ये ओरिजिन से अभी भी अप साइड पर है तो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो कैसा होगा पॉजिटिव होगा। तो हम कह सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट पे एक्स नेगेटिव होता है और वाई कैसा होता है पॉजिटिव होता है। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में किसी पॉइंट के जो क्वाड्रेंट होंगे वो क्या होंगे एक्स कॉमा वाई होंगे, बट इनका साइन कैसा होगा क्योंकि ये ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड पर है तो जिसके कारण इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो कैसा होगा नेगेटिव होगा, है ना, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है ओरिजिन से डाउन साइड पर है तो वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होगा नेगेटिव होगा। तो हम कह सकते हैं थर्ड क्वाड्रेंट पे किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो बोथ आर नेगेटिव होंगे। अगर हम बात कर रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम किसी फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट को ड्रॉ करते हैं तो उसके भी कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे एक्स कॉमा वाई होंगे, बट इसका साइन क्या होगा एक्स कैसा है यहाँ पे राइट हैंड साइड पर है तो राइट हैंड साइड पर एक्स कैसा होता है पॉजिटिव होता है, और वाई क्योंकि डाउन साइड पर है तो वाई का जो साइन होगा वो कैसा होगा नेगेटिव होगा। तो हम कह सकते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट पे किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कैसे होंगे एक्स तो पॉजिटिव होगा और वाई कैसा होगा नेगेटिव होगा। अगर हम इन एक्सेस पर ओरिजिन से डिस्टेंस वाइज नंबरिंग कर दें, है ना, जैसे इसे वन कह दें ये टू थ्री फोर फाइव ये ओरिजिन से डिस्टेंस बता रहे होंगे और ओरिजिन क्या होगा जीरो होगा, तो ये कुछ कुछ नंबर लाइंस की तरह हमें दिखाई दे रहा होगा माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव। ठीक है इसी तरह हम ऊपर भी कर दें नंबरिंग ये वन टू थ्री फोर ये माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव। ठीक है और ये जो ओरिजिन होगा इस ओरिजिन पे हमारा एक्स भी जीरो होगा और वाई भी क्या होगा जीरो होगा, तो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे जीरो कॉमा जीरो होंगे, है ना। तो अगर हमसे कोई बोले कि लेआउट द पॉइंट पी विच कोऑर्डिनेट आर माइनस थ्री कॉमा टू, है ना, एक ऐसे पॉइंट को लेआउट कीजिए जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं माइनस थ्री कॉमा टू हैं, तो आप देख रहे होंगे अगर इसे हम कंपेयर करें एक्स कॉमा वाई से तो एक्स क्या है माइनस थ्री है और वाई क्या है टू है, तो एक्स अगर माइनस में है तो इसका मतलब क्या है ये ओरिजिन से किस साइड पर है लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो लेफ्ट हैंड साइड पर हम कितना चलेंगे
तीन तक चलेंगे, तो ये जो पॉइंट होगा यहाँ तक होगा, और y कितना है 2 है, इसका मतलब y से हम कितना जा रहे होंगे 2, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2 होगी और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी -3 होगी। तो हम कह सकते हैं ये जो पॉइंट मिला है पॉइंट P, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे -3, 2, और ये जो कोऑर्डिनेट, ये जो पॉइंट है वो किस कोऑर्डिनेट पे लाई कर रहा होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट पे लाई कर रहा होगा। इसका लेआउट कुछ इस प्रकार से होगा, है ना, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी 2 होगी, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी -3 होगी। अगर हमसे कोई बोले कि एक किसी पॉइंट का लेआउट कीजिए जिसके क्वाड्रेंट हैं 4, -1, है ना, 4, -1, इसका मतलब क्या है कि x का मान कैसा है, पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, हम राइट हैंड साइड पर होंगे, और y कैसा है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब हम डाउन साइड पर होंगे। तो जो भी ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं वो किस पर लाई कर रहे होंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट पर लाई कर रहे होंगे। तो x का मान कितना है 4 है, तो यहाँ से हम 4 तक जाएंगे, और y का मान कितना है 1 है, तो y से 1 डिस्टेंस पर और यहाँ से 4, तो इस क्वाड्रेंट क्या होंगे 4, -1 होगा, ये जो पॉइंट होगा ये होगा। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी 4 होगी, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी -1 होगी, क्लियर है। और ये जो क्वाड्रेंट है वो किस पर लाई कर रहा होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट पर लाई कर रहा होगा ये जो पॉइंट है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार अगर हमसे कोई बोले कि एक पॉइंट है 3, 1, है ना, इसे लेआउट कीजिए, तो आप देख रहे होगे यहाँ x का भी मान क्या है पॉजिटिव है और y का भी मान क्या है पॉजिटिव है। तो x कितना है 3 है और y कितना है 1 है, तो ये जो पॉइंट होगा 3, 1 होगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी 3 होगी, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी 1 होगी। अगर हमें कोई एक और पॉइंट दिया जाए जैसे -2, -5, है ना, -2, -5, ये दोनों ही नेगेटिव हैं और बोथ आर नेगेटिव, किस में होते हैं हमारे थर्ड क्वाड्रेंट पे होते हैं। -2 का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और 5 कितना है यहाँ, तो ये जो क्वाड्रेंट होगा, ये जो पॉइंट होगा उसके जो क्वाड्रेंट होंगे वो क्या होंगे -2, -5, और ये किस क्वाड्रेंट पर लाई कर रहा होगा थर्ड में, ये वाला किस में कर रहा था फर्स्ट में, क्लियर है। तो हम कह सकते हैं किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट के साइन देखकर हम उसके कोऑर्डिनेट्स को पहचान सकते हैं कि वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, ठीक है। अगर हम पॉइंट 3, 1 का फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस पूछें, है ना, ये वाले पॉइंट के क्या पूछें, कोऑर्डिनेट पूछें, तो जो एक्स एक्सिस होता है उस पर जो वाई का मान होता है, आप देख रहे होंगे वाई यहाँ पे कितना है 0 है, तो एक्स एक्सिस को हम क्या कहते हैं, वाई इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है 0 होता है, इसका वाई का कोऑर्डिनेट ऑलवेज कितना होगा 0 होगा। तो अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर के पॉइंट्स को देखें तो यहाँ पे ये एक्स का मान कितना होगा 3 होगा, क्योंकि एक्स से कितनी दूरी पर है 3, बट ये वाई से कितनी दूरी पर है 0, तो इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितना होगा 3, 0 होगा। अगर हम इसका इस पॉइंट के फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस पूछें तो वाई एक्सिस में एक्स का मान ऑलवेज कितना होता है 0, ये एक्स एक्सिस है, ये इस लाइन पर एक्स हमेशा क्या होगा 0 होगा। तो अगर हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपसे पूछें तो वो क्या होंगे 0, 1 होंगे। ठीक इसी प्रकार अगर हमसे -3, 2 के फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस पूछा जाए तो एक्स एक्सिस का ये होगा, इसमें वाई 0 होगा बट एक्स क्या होगा -3, 0, और अगर हमसे ऑन वाई एक्सिस पूछा जाए तो वाई यहाँ पे एक्स तो 0 होगा, y कितना होगा +2, है ना, ये इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। ठीक इसी प्रकार अगर हमसे इस पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछा जाए ऑन x एक्सिस, तो x एक्सिस में आपको पता है y तो ऑलवेज 0 होता है, ये कितना होगा -2 होगा। ऑन y एक्सिस पूछा जाए तो इस एक्सिस पे क्या होगा x 0 होगा और y क्या होगा
माइनस फाइव होगा। ठीक, इसी प्रकार अगर हमसे इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछा जाए तो ये क्या है, वाई एक्स पर है, तो वाई एक्स पर क्या होता है, एक्स जीरो होता है और ये कितना होगा, माइनस वन। अगर हमसे इसका पूछा जाए तो ये एक्स एक्सिस पर है, तो इसका मतलब क्या है, वाई जीरो होगा और एक्स कितना होगा, फोर होगा। क्लियर है? और इस पॉइंट का अगर हमसे क्या पूछा जाए, प्रोजेक्शन पूछा जाए ऑन एक्स एक्सिस, तो प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस कितना होगा, टू होगा। और अगर प्रोजेक्शन ऑफ ऑन वाई एक्सिस पूछा जाएगा तो वो कितना होगा, थ्री होगा। है ना, रफ कर देते हैं इसे। तो किसी भी पॉइंट के साइन को देखकर हम उसके क्वाड्रेंट को पहचान जाएंगे कि उसका वो जो पॉइंट है वो किस क्वाड्रेंट पर लाई कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन टू पॉइंट, मूल बिंदु से बिंदु तक के बीच की दूरी। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे एक्सेस हैं, मान लीजिए ये हमारा एक्स एक्सेस है और ये हमारा वाई एक्सेस है और ये हमारा मूल बिंदु है जिसे हम ओ नाम दे देते हैं, और कहीं एक पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स कॉमा वाई। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, ओरिजिन से बिंदु पी के बीच की दूरी क्या होगी। तो दूरी ऑलवेज कैसी होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ से यहाँ तक की एक स्ट्रेट लाइन अगर हम मिला दें तो हमसे ये वाली जो डिस्टेंस है वो पूछी जा रही है। तो हमें दिया क्या गया है, पॉइंट पी दिया गया है, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, और पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट हैं एक्स कॉमा वाई वो हमें क्या बताते हैं, जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो बताता है कि पॉइंट हमारा जो पी है वो वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है। तो वो वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर होगा, एक्स डिस्टेंस पर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी, एक्स होगी। और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो हमें क्या बताता है कि पॉइंट पी एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, तो कितनी दूरी पर होगा, ये वाई दूरी पर होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक्स है तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी क्या होगी, एक्स होगी, है ना। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी वाई है, और क्योंकि ये दूरी है तो ये ऑलवेज कैसी होती है, परपेंडिकुलर। तो हम कह सकते हैं ये कोण कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। यहाँ पे एक नाम दे देते हैं ए, है ना। तो हम कह सकते हैं कि ओ ए और पी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, त्रिभुज ओ ए पी कैसा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये इसका क्या होगा, बेस होगा, और ये इसका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अगर ये इसका परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये इसका क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा, और हाइपोटेनियस को ही हमें कैलकुलेट करना है। तो हम पाइथागोरस से कह सकते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना। और हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस कितना है हमारा एक्स स्क्वायर और परपेंडिकुलर कितना है वाई स्क्वायर, क्योंकि हमें एच स्क्वायर नहीं निकालना है, किसकी दूरी निकालना है, एच निकालना है। तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। बट जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, डिस्टेंस, और डिस्टेंस ऑलवेज कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो इस कारण से हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, मॉड लगा देंगे। तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट, है ना। क्लियर है इतनी बात। तो सम क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। एक क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन टू
ए पॉइंट पी 3.4। मूल बिंदु से बिंदु P के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3.4, है ना। तो क्या होगा, ये मान लेते हैं हमारा एक्सेस है, ये हमारा मूल बिंदु है और ये पॉइंट कोई P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3.4। तो आप देख रहे होगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कुछ ऐसे होगी, है ना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 होगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 4 होगी। तो पाइथागोरस से हम ये दूरी निकाल सकते हैं, ये दूरी बराबर होगी किसके, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और 4 का 16, है ना। 9 एंड 16 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। तो हम कह सकते हैं ये दूरी किसके बराबर होगी, 5 के। क्लियर है। एक और क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड आउट द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू ए पॉइंट पी विच कोऑर्डिनेट इज -5.12। मूल बिंदु से बिंदु पी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक है -5.12। कैसे कैलकुलेट कर रहे होंगे हम, ये हमारे एक्सेस हैं और ये हमारा मूल बिंदु ओ है, है ना। अब हम देख रहे होंगे पॉइंट पी जो है उसका एक्स एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव है और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव है। तो एक्स कोऑर्डिनेट अगर नेगेटिव है तो वो ओरिजिन से किस साइड पर होगा, वो लेफ्ट हैंड साइड पर होगा। इसका मतलब क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट हमारे यहाँ पे होगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है, हम ओरिजिन से अप साइड पर होंगे। इसका मतलब जो पॉइंट होगा वो हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट पर लाई करेगा, है ना। तो अगर हम मान लें यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी जो है वो 5 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो 12 है, तो यहाँ से यहाँ और इसे हम मिला दें तो ये जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -5.12। यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 12 होगी, और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी होगी, -5 होगी। तो हमसे जो पूछी गई डिस्टेंस वो क्या पूछी गई है, ओरिजिन से पॉइंट P के बीच की दूरी पूछी गई है, ओ पी पूछी गई है ना। ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, तो हम कह सकते हैं ये जो ट्रायंगल बना है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो हमें बेस पता है, हमें परपेंडिकुलर पता है, तो हमें हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। तो हमारा हाइपोटेनस क्या होगा, बेस का स्क्वायर। बेस कितना है, -5 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 12। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। -5 का भी कितना होगा, 25 होगा, प्लस 12 का कितना होगा, 144। ऐड अप करिएगा तो 169 हो जाएगा। 169 किसका अंडर रूट होता है, 13 का। तो हम कह सकते हैं O से P के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 13 है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका जो पॉइंट है वो हर बार आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट पर ही लाई करे, कई बार आपका जो पॉइंट होगा वो किसी भी क्वाड्रेंट पर लाई कर सकता है। प्रोसेस आपकी सेम रहेगी, आपको जो ओरिजिन से डिस्टेंस होगी वो आप सेम तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस at distance 5 from a point P 3.4। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन,
कि x अक्ष पर उपस्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु P 3.4 से 5 दूरी पर स्थित है। अगर हम इसे ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारे एक्सेस हैं और आप देख रहे होंगे जो बिंदु P है उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो पॉइंट P है वो हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट पर लाई करेगा, है ना। तो अगर हम इसे ड्रॉ करें तो जो बिंदु P है वो कहीं यहाँ पे होगा जिसके क्वाड्रेंट्स होंगे 3.4। यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, 4 होगी। और यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। तो अगर हम इसे यहां मिला दें तो ये राइट एंगल के ट्रिपलेट्स बन जाएंगे। ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अभी हमने एक क्वेश्चन भी किया था सेम टू सेम, और ये जो पॉइंट है वो कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पर है। और अगर ये एक्स एक्सिस पर है तो हमसे यही तो पूछा गया है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3.4 से 5 दूरी पर है और एक्स एक्सिस पर है। तो इसके जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, क्योंकि ये ओरिजिन है तो ओरिजिन के निर्देशांक क्या होते हैं, 0.0। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 0.0। क्लियर है। बट अगर हम गौर से देखें तो जरूरी नहीं है कि हम इसी साइड केवल डिस्टेंस को नाप सकते हैं, हम इधर भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना। ये भी डिस्टेंस कैसी है, 5 भी है ना। यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी कितनी होगी, 5 होगी। और ये कहां पे लाई कर रही होगी, ये भी जो है वो किस पर लाई कर रही होगी, एक्स एक्सिस पर लाई कर रही होगी। तो हमारा जो आंसर होगा, एक आंसर तो ये भी होगा, तो इसके निर्देशांक कैसे निकालेंगे। आपको पता है ये एक्स एक्सिस पर है तो इसके निर्देशांक क्या होगा, वाई जो कोऑर्डिनेट होगा वो ऑलवेज 0 होगा। तो इसका मतलब क्या है, एक निर्देशांक तो हमें पता है कि इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। बट इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो अगर हम ध्यान से इन दोनों ट्रायंगल को देखें तो ये तो हमारी कॉमन साइड है और ये एंगल और ये एंगल हमारा क्या है, कॉमन है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों कैसे त्रिभुज हैं, कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये साइड भी इक्वल है। तो साइड एंगल साइड से हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है। इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। अगर ये 3 है तो यहां से यहां तक की दूरी भी कितनी होगी, 3 होगी। अगर हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपसे पूछें तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो इसका पुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा, 3.0। क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 3 है, और एक्स एक्सिस पर वाई तो ऑलवेज 0 होता है। तो ठीक इसी प्रकार अगर हम आपसे यहां से यहां तक की दूरी पूछें तो वो कितनी होगी, 6 होगी। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, 6.0। तो जो हमारा सेकेंड आंसर क्या होगा, 6.0। तो हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन के हमारे दो आंसर होंगे, जो बिंदु P 3.4 से x अक्ष पर 5 दूरी पर स्थित होंगे। एक तो पॉइंट होगा 0.0 और एक होगा 6.0। ठीक इसी प्रकार अगर इस क्वेश्चन में आपसे x एक्सिस से ना पूछकर सेम क्वेश्चन अगर आपसे y एक्सिस पर पूछ लिया जाता है ना, तो उस क्वेश्चन को हम कैसे कर रहे होंगे, सेम इसी तरीके से करेंगे। बस आंसर जो दे रहे होंगे वो हम किस पर दे रहे होंगे, y एक्सिस पर दे रहे होंगे ना। अभी भी हमारा पॉइंट जो होगा वो किस पर लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पर लाई करेगा। मान लेते हैं हमारा पॉइंट कहां पे है, ये वाला पॉइंट है, पॉइंट P है जिसके क्वाड्रेंट्स हैं 3.4। तो अगर हम देखें यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, 3 होगी। और यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 4 होगी, है ना। अगर हम इसे मिला दें तो ये दूरी कितनी हो गई, 5 हो गई, क्योंकि ये भी ट्रिपलेट्स हैं, है ना। और तो ये आंसर तो हमारा कॉमन होगा, हमारा अभी भी जो पॉइंट है वो क्या है, ये वाई एक्स पर भी है और ये एक्स एक्स पर भी है, तो ओरिजिन हमारा दोनों पर होगा। तो एक आंसर तो हमारा क्या होगा, 0.0। बट वाई अक्ष पर हम इस साइड भी तो जा सकते थे 5 दूरी पर, तो अगर हम इस साइड पर जा रहे होंगे तो यहाँ पे पॉइंट होगा एक, और ये जो पॉइंट होगा क्योंकि ये डिस्टेंस 5 है, ये 3 है, तो ये भी कितनी होगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 4 होगी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी,
8 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कैसे होंगे, क्योंकि y एक्सिस के कोऑर्डिनेट बता रहे हैं, तो y एक्सिस के कोऑर्डिनेट में x का मान क्या होता है, ऑलवेज 0 होता है। तो इसका ये तो 0 होगा और ये कितना होगा, 8 होगा। तो हमारा सेकंड आंसर क्या होगा इसका, 0.8 है ना। हमारे इस वाले क्वेश्चन के आंसर क्या थे, एक तो 0.0 था और एक 6.0। और हमारे इस वाले क्वेश्चन में का आंसर क्या होगा, 0.0 and 0.8। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस हु लाइज फ्रॉम 3.4 एट डिस्टेंस ऑलवेज लेस देन 4। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक्स अक्ष पर ऐसे कितने बिंदु उपस्थित होंगे जिनकी लंबाई बिंदु 3.4 से 4 दूरी से कम होगी। क्लियर है? हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक्स अक्ष पर ऐसे कितने पॉइंट संभव होंगे जो बिंदु 3.4 से 4 दूरी से भी कम पर होंगे। 4 दूरी से कम पर मतलब उनकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 4 से कम होनी चाहिए। वो 3.9 भी हो सकता है, 3.8 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर लें। ये हमारा एक्सिस है, क्योंकि 3.4 वो था पॉजिटिव, तो वो कहां पे लाई हो रहा होगा, कहीं यहां पे लाई हो रहा होगा। इस पॉइंट के निर्देशांक होंगे 3.4, है ना। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, एक्स एक्सिस पर पॉइंट्स कितने होंगे, है ना। हमें ये बताने हैं कि एक्स एक्सिस पर 4 से छोटे कितने पॉइंट होंगे। तो अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो कितना है, 4 है। इसका मतलब क्या है कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी होगी, यहां से यहां तक की 4 होगी। और आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्स अक्ष पर 4 से छोटे कितने पॉइंट्स होंगे, तो आप देख रहे होंगे अगर ये परपेंडिकुलर ही डिस्टेंस 4 है तो छोटे जो होंगे वो कहीं बीच में लाई कर रहे होंगे। अगर 3.9 भी अगर ड्रॉ कर रहे होंगे ना, तो वो एक्स अक्ष पर नहीं लाई कर रहा होगा, एक्स अक्ष से कहां पे होगा, ऊपर होगा। क्योंकि सबसे शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होती है वो कैसी होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही कितनी है, 4 है। तो इसका मतलब क्या है, 4 से छोटी लंबाई वाले ऐसे कोई भी पॉइंट इस पॉइंट पर संभव नहीं है कि जो एक्स अक्ष पर क्या करे, लाई करे। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऐसे कोई भी पॉइंट संभव नहीं है। इसका मतलब क्या है, नन पॉइंट्स आर अवेलेबल, ना, ऐसा कोई भी पॉइंट यहां पे संभव नहीं है। अगर आपसे क्या पूछा होता, ग्रेटर पूछा होता, है ना, ऑलवेज ग्रेटर देन 4, अगर आपसे ये पूछा होता तो ग्रेट, आप देख रहे होंगे एक सीधी लंबाई में तो 4 तो है, लेकिन आपसे क्या पूछा गया, 4 से बड़ा। तो अगर हम इसको थोड़ा सा भी तिरछा करें तो ये सीधी से तिरछा हो गया है, और सीधी रेखा ही सबसे छोटी होती है। इसका मतलब ये वाली रेखा क्या होगी, इससे बड़ी होगी। अगर इसकी लंबाई 4 है तो ये 4 से तो बड़ी होगी, है ना। अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये भी 4 से बड़ी होगी, ये भी 4 से बड़ी होगी, ये भी 4 से बड़ी होगी, ये भी 4 से बड़ी होगी। अगर हम इस साइड भी जाना चाहें तो ये सब क्या होंगी, 4 से बड़ी होंगी। तो हम कह सकते हैं ऐसे कितने पॉइंट्स एक्स अक्ष पर उपस्थित होंगे जो कि बिंदु 3.4 से 4 दूरी से ज्यादा दूरी पर स्थित होंगे। तो वो ऐसे कितने होंगे, अनंत होंगे, इनफिनाइट पॉइंट्स होंगे। जितने भी आपको ड्रॉ करना हो चाहो उतने कर लो, सभी पॉइंट्स क्या होंगे, 4 से बड़े होंगे।
अगर आपसे इसी क्वेश्चन में ऑलवेज इक्वल पूछा जाता, इक्वल फोर, तो उस केस में आप देख रहे होंगे कि केवल एक ही पॉइंट ऐसा है जिसके जो क्या है यहां पे, जिसकी डिस्टेंस कितनी है, फोर है, और वो कैसी डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और अगर थोड़ा सा भी इधर जाएंगे तो वो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, थोड़ा सा भी इधर जाएंगे तो इधर भी बड़ी हो जाएगी, और थोड़ा ऊपर रह गए तो क्या हो जाएगा, छोटी हो जाएगी। तो ऐसे इक्वल पॉइंट्स कितने होंगे, केवल वन पॉइंट्स आर अवेलेबल, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकालें तो ये कहां पे है, एक्स एक्सिस पर है, और एक्स एक्सिस पर क्या होता है, वाई जीरो होता है, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, थ्री होगी। तो अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स बोले तो कितना होगा, थ्री कॉमा जीरो। तो हम कह सकते हैं बिंदु तीन कॉमा चार से एक्स अक्ष पर चार से कम दूरी पर कितने पॉइंट्स होंगे, एक भी नहीं, चार से बड़े ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे, अनंत होंगे, जितने चाहे उतने बना लो, है ना, और चार के बराबर कितने होंगे, केवल एक ही पॉइंट होगा जो उस बिंदु का क्या होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच कोऑर्डिनेट आर 0.6 एंड 8.0। हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जिनके निर्देशांक क्या है, 0.6 और 8.0। अभी तक हमने ओरिजिन से एक बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना सीखा है, बट यहाँ हमसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ रहा है। बट अगर आप इन दोनों बिंदुओं को गौर से देखोगे तो इनके एक एक निर्देशांक क्या है, जीरो है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों ही पॉइंट जो है वो किसी ना किसी एक्सिस पर लाई कर रहे होंगे, है ना। अगर हम इसे ड्रॉ करके देखें तो ये हमारे एक्सिस हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो अगर हम इस पॉइंट को देखें तो इस पॉइंट में एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट है उसमें से x कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो है। और आपको पता होगा कि x कोऑर्डिनेट किस पर जीरो होता है, y एक्सिस पर होता है, y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो होता है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो कहां पे लाई कर रहा होगा, y एक्सिस पर लाई कर रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि यहां से छह दूरी पर, मान लेते हैं यहां पे है, तो ये जो पॉइंट है वो क्या होगा, 0.6 होगा। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 6 होगी। ठीक इसी प्रकार अगर आप दूसरे पॉइंट को देख रहे होगे तो इसमें जो है वो y कोऑर्डिनेट जीरो है, और y कोऑर्डिनेट किस एक्सिस पर जीरो होता है, x एक्सिस पर जीरो होता है। इसका मतलब क्या है कि जो पॉइंट है वो किस पर लाई कर रहा होगा, x एक्सिस पर कर रहा होगा। मान लेते हैं यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 8 है, तो इसका मतलब पॉइंट कहां पे होगा, यहां पे, जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे क्या, 8.0। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी, और दूरी आपको पता है ऑलवेज कैसी होती है, सीधी रेखा पे होती है। तो अगर देखें तो ये एक त्रिभुज जैसा बन रहा होगा, और ये त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। क्यों, क्योंकि जो हमारे दोनों एक्सिस होते हैं वो एक दूसरे से कितने डिग्री की दूरी पर होते हैं, 90 डिग्री की दूरी पर होते हैं। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा होगा जिसका आधार कितना होगा, 8, और परपेंडिकुलर कितना होगा, 6। तो हम इसका हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। तो हाइपोटेनस क्या होता है, अंडर रूट बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर कितना है, 8 का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर कर रहे होंगे तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, और 6 का कितना होता है, 36। समअप करेंगे अगर तो कितना आ जाएगा, 100 का अंडर रूट कितना होता है, 10। इसका मतलब क्या है कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी
यहां से यहां तक के बीच की दूरी कितनी होगी? 10 होगी। क्लियर है? तो अगर दोनों पॉइंट्स अगर एक्सिस पर हैं तो हम इन्हें बहुत ही इजीली वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच कोऑर्डिनेट्स आर ए साइन थीटा कॉमा जीरो एंड जीरो कॉमा ए कॉस थीटा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक हैं ए साइन थीटा कॉमा जीरो और जीरो कॉमा ए कॉस थीटा। तो आपको पता होगा इसकी कोऑर्डिनेट्स में से एक दोनों ही पॉइंट्स में क्या है? जीरो है। तो हम इसे इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये दोनों पॉइंट्स कहां पे लाई कर रहे होंगे? एक्सेस पर लाई कर रहे होंगे। ये हमारा एक्स एक्सेस है, ये हमारा वाई एक्सेस है। तो अगर हम देखें इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है और ये जो वाई कोऑर्डिनेट है, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है? जीरो है। वाई कोऑर्डिनेट किस पर लाई करता है? हमारा एक्स एक्सेस पर करता है। यहां पर क्या होता है? y जीरो होता है। तो इसका मतलब क्या है? ये पॉइंट कहां पे होगा? इस लाइन पर कहीं पर होगा। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट्स हैं a sin थीटा कॉमा जीरो। इसका मतलब क्या है? यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी होगी? a sin थीटा। क्लियर है? अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो जीरो है और y कोऑर्डिनेट कितना है? a cos थीटा। और x कोऑर्डिनेट किस पर जीरो होता है? हमारा x एक्सिस पर जीरो होता है। इसका मतलब कहाँ है? ये पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा जिसके कोऑर्डिनेट होंगे जीरो कॉमा a cos थीटा। और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी? a cos थीटा। तो हमें जो दूरी निकालना है वो कौन सी निकालना है? ये वाली। तो अगेन ये क्या बन गया? एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसका बेस क्या है? a sin थीटा और परपेंडिकुलर क्या है? a cos थीटा। तो हम ये निकाल पाएंगे, ये दूरी क्या होगी? अंडर रूट में a sin थीटा का स्क्वायर प्लस a cos थीटा का होल स्क्वायर। इसे हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अगर हम दोनों से क्या निकाल लें? a कॉमन निकाल लें a स्क्वायर, तो अंदर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको पता है वह ये एक आइडेंटिटी है जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। इसका मतलब क्या है? अंदर क्या होगा? a स्क्वायर इनटू में 1। अंडर रूट से जो भी चीज दो बार होती है वो एक बार बाहर निकल आती है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? a होगा। बट a क्या है? वेरिएबल है। और वेरिएबल हमें पता नहीं है कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसलिए हम इसके आगे क्या लगा देंगे? मॉड लगा देंगे। क्यों? क्योंकि हमसे जो पूछा गया है क्वेश्चन में, वो क्या पूछा गया है? डिस्टेंस पूछी गई है। और डिस्टेंस ऑलवेज कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। तो इस क्योंकि a वेरिएबल है और वेरिएबल का मान कुछ भी हो सकता है, तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? मॉड a होगा। क्लियर है?